उसकी मेहमान आए थे कि आपके भी आए 24 घंटे हो साडे मेहमान नहीं आए जांदे तो यार इस तरह तो नहीं ना होता जब आप सारा दिन भी ये कुछ करते हैं 5 मिनट में तो 10 मिनट में ये करते करते सारा दिन गुजर जाता है और जब बात होती है तो इररेलीवेंट बातें हैं उसके बाद फिर वही चक्कर आजकल शादियां भी हो रही ठीक है वकील के चले जाते हैं आप झूठ नहीं बोलता ना मैं अब वैसे क्या तो शादी एक सेकंड प्लीज एक मिनट शादियां भी दुनिया में होती हैं वकीलों के भी जाया जाता है काम भी लोग करते हैं सब कुछ करते हैं मगर कोई ये नहीं करता जो आप कर रहे हैं अगर कोई करता है तो मुझे बता दें आप देखिए ना बात सुनो आप फिर अच्छा भला सिस्टम चल रहा हो आप गंद खुद डलवाते हैं अपनी हरकतों की वजह से मतलब ये वो चीजें हैं कि जो आप इतनी तसल्ली से इतने आराम से और फिर देखे ना सबसे जो अजीब गरीब बात है वो ये है कि जब आपका दिल करता है कोई बात कर लेते हैं जब आपका दिल करता है आप बोलना शुरू कर देते हैं कि जी कौन तुमसे बात करेगा कोई बगैरत ही होगा जो मतलब देखे दिस इज टू मच यही हरकतें कर करके ना यू हैव लॉस्ट योर क्रेडिबिलिटी मतलब मेरी जुबान से जो है वो आपकी मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा जिनसे सारी उम्र आप छितर खाते रहे हैं उनकी सिर्फ नहीं जान छुड़ाई आपने और मेरी जुबान तो आपने खुलवाई है इस तरह कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता मतलब कोई कोई कौन मानेगा कि आपने बीवी ऐसे रखी हुई है कौन मानेगा इतना बड़ा नामी ग्रामी इंसान और उसने शादी करके 3 साल से औरत का हाल क्या किया है सुबह मैंने फैसला बाद जाना है किस लिए कोई नहीं जाना मीटिंग है तो मैं क्या करूं यार मेरी बात सुनो देखो ये कोई तरीका कार नहीं है अच्छा प्लीज ठीक है ना ये कोई तरीका कार नहीं है मीटिंग है ये है वो है मतलब आप खुद देखें कि 2 महीने हो गए 2 महीने अब उससे भी ज्यादा हो रहे हैं ये आप मुझे खुद बता दें कि क्या ये कोई तरीकाकार है इस तरह दुनिया का कौन सा शरीफ इंसान करता है जो आप कर रहे हैं हेलो नहीं आप मुझे आप सुने ना यार मेरी बात सुनो सुबह मीटिंग है शाम मीटिंग है आपकी मेहरबानी है हेलो मेरी गुजारिश सुन लेना ठीक है जी आप शुरू हुए ठीक है जी कि ये एक जलसा हो जाए 2 दिन दे दो मतलब मैंने आपके साथ हर तरह से कोऑपरेट किया बट आप टाइम पास कर करके ना आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ बट यू आर नॉट रेडी टू चेंज योर सेल्फ लेकिन अब मुसीबत ये है कि ये रोज के लारे लप्पे जो है ना अब ये हो जाए अब वो हो जाए अब ये हो गया वो हो गया ये इस तरह कुछ भी नहीं होना आप मेहरबानी ये करें ना ये सियासतें भी होती रहेंगी ठीक है ना ये सारा कुछ जिंदगी में चलता रहता है लेकिन इस तरह अपनी बीवियों को घर की औरतों को सड़कों पे कोई नहीं बिठाता राजा बिशारत घर की औरतों को कोई इस तरह सड़कों पे नहीं बिठाता राजा बिशारत और ये जलसे जुलूस वो लोग करते हैं जिनकी इज्जतें महफूज होती है मतलब अपने घरों की इज्जतों को सड़कों पे बिठा के कौन सा शरीफ आदमी जलसों में जाता है और किस मुंह से जाता है मेरी बात सुनिए जी सुनाए राजा साहब मेरी बात सुने अब आप बात ये है कि डेली बेसिस पे ये बात होती है एंड यू डिड नथिंग ठीक है कभी आप ये झूठ बोलते थे कि जी 6 महीने का किराया दे दिया कभी आप ये झूठ बोलते थे 10,000 टोकन दे दिया कभी कोई झूठ राजा बिशारत स्टॉप लाइंग राजा बिशारत दिस यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम पास्ट 2 मंथ स्टॉप लाइंग आप एग्रीमेंट तक साइन कराए थे समझ आइए झूठ बोलना बंद करो एग्रीमेंट साइन करने के बाद कुछ नहीं होता राजा बिशारत झूठ बोलना बंद करो प्लीज और ये 1-2 दिन नहीं किया आपने 2 महीने कॉन्टिन्यूसली ये गंद किया आपने मेरे साथ 2 महीने राजा बिशारत 2 महीने 2 मंथ्स और आप पता नहीं किस किस्म के इंसान हैं कि जिसको कोई रियलाइजेशन नहीं है मतलब आज मुझे 6ठा 7वां देना है मतलब आप किस किस्म के इंसान है मतलब ये किस किस्म की शादी है सॉरी
छठ दिन की सीख है। आपको नहीं पता? अच्छा बोले, कितने बोले हो राजा बिशारत? नहीं आप क्या कह रहे, छठा सातवां दिन है? ब्लड प्रेशर नहीं है मुझे? नहीं है मुझे तो। तुमने राजा बिशारत देखो मेरी बात सुनो प्लीज, उतनी करो जितनी कोई बर्दाश्त कर सके। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी हुई है। तुमने मुझे एक साल से सड़कों पे फेंका हुआ है तो तुमने अगर ये कुछ, क्या बात है यार राजा बिशारत? तैयार हूँ नहीं हूँ। दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम। तैयार थे तो यहाँ तक नौबत क्यों आई फिर? दो महीने से मैं यही बकबक सुन रही हूँ, तैयार हूँ। तो फिर क्या किया है? एग्रीमेंट तक तो साइन करा थे, कहाँ है वो गर्ल? ये बस सुनो ड्रामा, राजा बिशारत ये ड्रामा बंद कर दो प्लीज, सारा सारा दिन तुम जान बूझ के